तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो? मैं भी अच्छा हूं, अल्लाह ताला की रहमत फजल करम के साथ। जी आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होना है, बट आज सीन्स कुछ ऐसे हैं। आज छुट्टी गया एकेडमी से, तो उसके बाद नींद बहुत ज्यादा आ गई थी गाइस। आज सो गए, धड़ाधड़ सोए हैं बहुत ही ज्यादा। तो ये मैं बीच लेने गया था वो सात लड़के के साथ, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा वीडियो बनाई जाए। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये असल में ये है जी मैरिज हॉल मार्क की, जिसको कहते हैं बेड टावर, जो भी है सोलो अच्छा है। और ये जी जो मुंजी है उसको तकरीबन लगे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, मुझे याद नहीं है कितने दिन हो चुके हैं, बट काफ़ी दिन हो चुके हैं। और अब मतलब अपने साथ एक टहनी छोड़ रही है, तो अब पानी भी इसमें थोड़ा सा भरता है और कुछ जगह ऊंची है तो इसलिए पानी नहीं भरता। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और कुछ दिनों बाद ऐसा खूबसूरत नज़ारा लगेगा। सही बात है, इस बार तो बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ की कमी महसूस होगी, वो है ड्रोन। तो बट ड्रोन होता तो ऊपर से जो नज़ारा लिया जाता वो अलग ही था। तो बट इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद है मुझे कि एक दिन ज़रूर मिलेगा। सो टेंशन तो लेनी नहीं भाई जान, सो इन्जॉय द व्लॉग। सो एवरीबॉडी, आज हम जा रहे हैं जी नए चारे की तरफ, जो नया लिया है जी भाई साहब बहुत ही कमाल का होने वाला है। सो आज उसकी तरफ नज़र दौड़ा लेते हैं, क्योंकि काट के जानवर को डालना भी है, तो देखते हैं। चलो उसकी तरफ ही अब जा रहे हैं। मेक श्योर ईद आने वाली है, लेट्स तकरीबन वन डे रह गया जी, बहुत ही कमाल धमाल का दासू ब्लॉग इंशाल्लाह आएंगे जी ईद के टॉपिक पर। बेसिकली मेरी यार कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह आएँ, बस थोड़े से पर्सन और थोड़ा सा इशू बन जाता है, तो इसलिए हर बार मतलब हर बार नहीं एक बार ही हुआ है, तो बेसिकली एक बार इसलिए नहीं आई थी, इंशाल्लाह आएगी। तो ये आई जो पीछे नज़र आ रहा है आपको, ये लिया तकरीबन जी 7000 का लिया है जी हमने। ये तकरीबन पूरी ज़मीन है जी, पूरी की पूरी ज़मीन जो तकरीबन 7000 की हमने ली है। तो बेसिकली हमने दो तरफ साथ लगाया, इधर से भी और उधर से। जैसे कल मैं शाम को लेकर गया था तकरीबन दो जानवर के लिए गठरियाँ, तो अभी हमें हो चुके हैं जी दिन तकरीबन तीन दिन हो गए हैं। अब जा रहे हैं जी वापस, इसलिए आए थे कि क्योंकि मुझे पता उधर से मैंने देखा जी भाई साहब, तो मैंने कहा कि एक बार ज़रूर नज़र चेकआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि जानवर तो चारे में जाते रहते, तो इसलिए चेकआउट कर लेना चाहिए। तो थोड़ा सा है नॉर्मली खाया, तो कोई बात नहीं, इतना तो चलो चल जाएगा। वैसे उनको अब मैं कह रहा हूँ कि अब ध्यान रखें कि अब जानवर चारे में ना जाएं, तो कहते हैं जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। सो इंशाल्लाह नहीं कहा, बेसिकली मैंने मोदी कहा, तो कहते हैं जी अब नहीं जाएंगे, हम ध्यान रखेंगे। उत्ते बहुत ज्यादा लगी। हाँ जी छोड़ के आए, अब एक एक करके लेकर जाएंगे सभी को, ऐसा ही चलता है यार दिन ब दिन रोज ही के। तो गाइज ये जो आवाज़ आपने पीछे सुनी है वो अंकल बोल रहे थे अबू जान को कि ये लग रहा था मोबाइल में, तो कह रहे हैं जी इसको कहें कि मोबाइल से निकले बाहर, हर टाइम मोबाइल में ये वो, तो उनको थोड़ा सा नहीं पता था इसलिए। तो काफ़ी और भी वाक्यात पेश आए हैं, तो बट कोई नहीं, ऐसा होता रहता है जब किसी इंसान को थोड़ा सा मतलब किसी चीज़ का इलम हो और किसी को ना हो, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट मैं उन्हें मैं अपने आप से कम नहीं समझ रहा, मेरे से बड़े हैं, बट क्योंकि उनको इंटरनेट, उनके ज़माने में इंटरनेट नहीं था, तो इसलिए यार थोड़ा सा होता है। तो इसलिए चलो क्या कर सकते हैं, फिर इंजॉय करो आप द व्लॉग। हाँ जी खोलो, मैं उसको लेकर आता हूँ गाय को, खोलो खोलो इसको।
अच्छा आगे तो नहीं था, पहले तो नहीं था मारता, अब क्यों मारता है? इस गाय को लेकर जाएंगे जी अब, प्यारी गाय। चलो छोड़ दो उसको, फिर मत खोलो, छोड़ दो छोड़ दो, मत खोलो, मत मत छोड़ दो। तो सभी जानवर एक एक करके जी निकाल दिए, वहाँ बूजान ले गए हैं। तो ये जो रह गए हैं जी छोटे ये वाले, तो इनको अब जाएंगे जी चारा वगैरह ला कर डालेंगे। तो ये घर ही रहते हैं बेसिकली, क्योंकि ये तंग करते हैं जानवर दूसरों को, और इसलिए ये घर ही रहते हैं, खाने नहीं देते, तो इस वास्ते ये घर ही रहते हैं, घर ही अच्छे हैं। इस जामन के साथ जी भाई साहब रस्सी इसलिए बांध दिया क्योंकि जब जामन उतारते हैं तो तब इशू बनता है, तो अब नहीं बनेगा। ये दो दो रस्सियाँ लटकाई हुई हैं इधर, और ये एक नई रस्सी लाई थी तो वो इधर लटका दी हुई है, मतलब इधर से आसानी से जामन नीचे आ जाते हैं जी, पूरी लिफ्ट टाइप का। ये जो एक्स्ट्रा रेत ला कर रखी हुई है इसका कोई अभी तक बना ही नहीं है, तो इधर से रास्ता वगैरह तो बंद हो गया, तो फिलहाल अब दरवाजे के रास्ते लेकर जाएंगे इस रेत को। तो आधी आधी तो मिट्टी में तब्दील हो चुकी है और आधी बेसिकली थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। ये देखें नीचे, ये काम करवाना था पिछले दिनों में, देख लिए लाई सर। कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे कर देना। यार मैं आज सो गया था कि व्लॉग नहीं बना टाइम से, तो अब टाइम काफ़ी अप हो चुका है, तकरीबन अराउंड 6 या 6 से ऊपर हो गया होगा, मैंने अभी देखा नहीं तो, बट 6 एग्जैक्ट टाइम 6 बज चुके हैं, तो इसलिए यार आज थोड़ा सा इसलिए सो गया था, तो आज टाइम से व्लॉग नहीं बन पाया, तो सॉरी उसके लिए। तो आगे और भी व्लॉग इंजॉय करने के लिंक इधर डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा। तो मुझे देख जल्द, आज का व्लॉग था इतना ही, चलो बाय बाय, टाटा सी यू, टेक केयर।